हाय एवरीवन, तो मैं हूँ निशा मनोर। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे, तो जिनका हमें सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत बेटर रहेगा हमारे लिए। तो ये टॉपिक है जिनके पिंपल हो जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, पिंपल के बाद स्किन दाग धब्बे छोड़ जाते हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। तो हम बहुत सारे फेस वॉश यूज़ करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट, महंगे महंगे प्रोडक्ट अपनी स्किन पर यूज़ करते हैं, तो कोई भी हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। हमारी स्किन दिन ब दिन ख़राब होती जाती है, पिंपल होते जाते हैं, उनका कोई भी सॉल्यूशन हमारे हाथ में नहीं होता है। तो हम ये सोच लेते हैं, लेकिन उनका सॉल्यूशन है। अगर आपकी स्किन पर कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आप फेस वॉश यूज़ नहीं करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो आपकी स्किन पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो इसके लिए सोल्यूशन ये है कि हमें ये प्रोडक्ट महंगे महंगे भी छोड़ देने चाहिए, तो हमें वो चीज़ अपनानी चाहिए जो हमारी स्किन के लिए बेनिफिशियल है, जो हमारी स्किन को ठीक कर सकती है। तो उसके लिए एक पैक है जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर हम पर कुछ भी सूट नहीं करता है, हमारे पिंपल नहीं जाते हैं, तो उसके लिए एक फेस पैक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने खुद भी यूज़ किया है, बहुत सारा भर भर के यूज़ किया है, तभी मेरी स्किन पर अभी कोई अभी अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी स्किन पर पिंपल हैं, लेकिन उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है इसी के थ्रू जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी स्किन पर भी कुछ भी सूट नहीं करता है, ना कोई क्रीम एक्ने की, ना कोई पिंपल का, ना कोई डॉक्टर की, कुछ भी सूट नहीं कर रहा है, बस आपका ही हाल, मेरे जैसे हाल है। तो उसके उसके लिए हमारे पास एक पैक है जिसकी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम उस पैक को फेस वॉश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिस टाइप भी आपको चाहे वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ पहले तो आप रेमेडी देख लीजिए, उसके बाद हमें इसे कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो प्लीज़ सी। तो हमें रेमेडी के लिए सिर्फ तीन चीज़ें चाहिए, 2 चम्मच कच्चा दूध, और हमें उसमें मिक्स करना है 2 चम्मच बेसन। बेसन के बाद हमें उसमें ऐड करना है हल्दी चुटकी, आप हम हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे नॉर्मली जो घर में यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम इसको 3 से 4 दिन तक स्टोर कर कर भी रख सकते हैं, तो प्लीज़ आइए इसे ट्राई करते हैं। हेलो, तो मैंने पैक ये रेडी कर लिया है, आपके साथ रेमेडी भी शेयर कर ली है। अगर आप उसे बनाना चाहते हैं तो आप उसको देखकर बना सकते हैं। तो अब मैं दिखाने वाली हूँ कि हमें इसका यूज़ कैसे करना है। तो पहले तो बाल तो बांधने ही पड़ेंगे, तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से बांध लीजिए। तो अगर हम इस पैक को फेस वॉश की क्लिंजिंग की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारी स्किन पर कोई भी फेस वॉश सूट नहीं करता है, इसमें हमने मिल्क डाला है ताकि हमें क्लिंजी मिल्क का भी फायदा हो। तो हमें दोनों हाथों में ऐसे लेना है और रब करते जाना है हल्के हाथों से, क्योंकि अगर हमारी स्किन पर पिंपल हैं तो हमें हल्के से ही उसे ऐसे रब करना है। तो आप इनको इसको 3 से 4 मिनट तक कीजिए, नहीं तो एक बार में ही, अब 1 मिनट भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। इसको ऐसे मलने के बाद हमें रिमूव कर देना है। तो ये तो हो गया हमारा फेस वॉश।
और उसके बाद गीले कपड़े फेस वॉश कीजिए पानी के साथ खुले में, तो अगर वरना कॉटन का कपड़ा तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये रहा हमारा फेस वॉश करने का। हम दो टाइप के काम कर सकते हैं इससे। अच्छे से क्लीन कर लेना है इसे। तो उसके बाद बारी आ जाती है, अगर हम धोले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे लगा नहीं रहेगा। अब आती है पैक की बारी। तो हमें पैक इसी में हमें पैक मिलने वाला है हमारा। तो बेसन है जो हमारे जो दाग धब्बे पड़ जाते हैं पिंपल के बाद, अगर वो जाते हैं तो कुछ आता भी है साथ ही में, वो है दाग धब्बे। तो उसके लिए बेसन जो है हमारे उन दाग धब्बों को लाइट करता है। ऐसा नहीं है कि एक बारी में ही आपके रिजल्ट आपके सामने, ऐसा नहीं है। इसको आपको दिन में, अगर आप दाग धब्बे के थ्रू जाना इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ करना है। अगर आपके पिंपल हैं तो आप इसको फेस वॉश में डेली डेली बाय डेली यूज़ कर सकते हैं। और इसको पैक, अगर आप पैक लगाना चाहते हैं तो आप पैक भी लगा सकते हैं। हफ्ते में 4-5 बार तो आपको लगाना ही है। सेकंडली एक और बात, अगर हम इस पैक को किसी भी पिंपल पर ऐसे लगा कर छोड़ देते हैं तब भी बेनिफिट है। अगर हम इसको पूरे फेस पर लगाना चाहते हैं तो फेस पर भी हम लगा सकते हैं, लेकिन उसे छोड़ना हमें 15 से 15 से 20 मिनट तो हमें उसे छोड़ना ही है। अभी मेरे पास मिरर भी नहीं है यार, चलो ऐसे ही। अगर इस पैक को हम ज़्यादा मोटा लगाएं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमारे पिंपल के लिए, ताकि अच्छे से ढक जाएंगे उनको। तो मैं ये पैक पहले यूज़ कर चुकी हूँ तो अभी मुझे थोड़ा लाइटर लगाना होगा। दिन में हमें इतना भी फेस पैक नहीं लगाना चाहिए हमें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वैसे भी ऑयली स्किन पर ही पिंपल होते हैं, एक्ने होते हैं, तो ऑयल कंट्रोल का भी काम है इसका, सब कुछ करता है। आप एक बार इसे ट्राई कर लीजिए। आपको इसे 15 से 20 मिनट तक वेट करना है सूखने का। अगर मैं ऐसे वेट करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होकर चले भी जाएंगे। तो मैं 15 मिनट के बाद आप फेस वॉश के फेस साफ करके ही मिलूंगी अभी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फेस वॉश कर लिया है। 15 मिनट के बाद आपको भी फेस वॉश करना है। तो ऐसे में आप, अगर आप हफ्ते में इसे 3 से 4 दिन इसे अपने पिंपल्स को हटाने के लिए यूज़ करेंगे तो आपको फ़र्क ज़रूर नज़र आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हर किसी के साथ अगर उनकी ये प्रॉब्लम है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो थैंक यू।